विद्यार्थी मित्रों और मेरे साथ ही शिक्षक मित्रों, सभी को मेरा नमस्कार। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के इस प्रेजेंटेशन लेक्चर में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। देखिए, जो हमारी जो दुनिया है, पूरी पूरा जो वर्ल्ड है, इसमें एक्वेटिक एनिमल भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। कुछ जो एनिमल्स हैं वो पानी में रहते हैं, जैसे फिश वगैरह हो गए, ठीक है, और बाकी के जो हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं। और सभी सभी जो एनिमल्स हैं, इनमें जो रेस्पिरेशन की जो मैकेनिज्म है, रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन है, वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे कि इनवर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो स्पॉन्ज है, सिलेंट्रेट है, फ्लैट वर्म है। इनमें क्या होता है, इनका जो बॉडी सरफेस है ना, उन पे ही उनसे ही O2 और CO2 का जो डिफ्यूज़न है, जो एक्सचेंज है, वो हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं पानी के अंदर, ये जो फिगर है इसमें द थिन बॉडी ऑफ अ फ्लैटवर्म, ठीक है, फ्लैटवर्म का थिन बॉडी बताया है। और इसका इसका अगर हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं, ठीक है, तो ये क्रॉस सेक्शन जो है वो इस तरह से है। आप देख रहे हैं जो जो प्राणी है फ्लैटफॉर्म, वो पानी के अंदर ही है। तो क्या होगा, पानी के अंदर जो डिफ्यूज ऑक्सीजन जो होगा, वही क्या है, ऑक्सीजन जो है वही बॉडी के सेल के अंदर आता है। और सेलुलर रेस्पिरेशन के कारण जो CO2 उत्पन्न होता है वो पानी में चला जाता है। तो O2 पानी में से अंदर आता है, CO2 जो है वो बाहर निकल जाता है, इसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, किस तरह से डिफ्यूजन होता है O2 पानी में से बॉडी सेल में, और CO2 बॉडी सेल में से पानी में चला जाता है। तो ये फ्लैटवर्म का जो एग्जांपल है वो हमने लिया। इसके बाद जो स्पॉन्ज है उसकी बात करते हैं। ये जो स्पॉन्ज जो है ये इसका बॉडी वॉल है, और बॉडी वॉल में आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप के सेल हैं। और ये जो पूरा जो बॉडी है स्पॉन्ज का, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको पोरोसाइट दिखने मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो पोरोसाइट जो है, यानी बॉडी पे क्या होते हैं, बॉडी पे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, और पोर के आसपास जो सेल हैं वही पोरोसाइट कहलाते हैं, ठीक है। तो ये जो पोर्स हैं बॉडी में, ये यहाँ से आप देखिए ग्रीन कलर के एरो में पानी जो है वो अंदर आता है, ठीक है, सभी जगह से। तो ये पानी के साथ ही फूड जो है वो भी यहीं से एंटर होता है, इन्हीं पोर्स में से। अब ये पानी जो है उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज होता है ना, और पानी जो है वो यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे आगे की ओर जो बड़ा जो ओपनिंग है उसको ऑस्कुलम कहते हैं, ठीक है, स्पॉन्ज में। तो यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, पानी जो है स्पॉन्ज में अंदर आया, ठीक है, वाटर फ्लोज इन, ठीक है। और फिर क्या होता है, जो पानी जो बाहर निकलता है, पानी जो अंदर आया वो क्या, रिमूव O2 फ्रॉम वाटर। बॉडी के जो सेल हैं वो क्या पाएंगे, ऑक्सीजन पाएंगे, और बॉडी के सेल में जो CO2 जो पैदा हुआ वो यहाँ से बाहर की ओर निकल जाता है, ठीक है। तो स्पॉन्ज जो है इसमें इस तरह से रेस्पिरेशन होता है, ठीक है कि नहीं, स्पॉन्ज में। चलिए, इसके बाद जो सिलेंट्रेट हैं, जैसे कि हाइड्रा, जेलीफिश, मैट्रियम, ओबेलिया, इनमें भी सिंपल डिफ्यूज़न ही होता है। पानी का जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के सेल में आता है, बॉडी सेल में जो CO2 है वो पानी में चला जाता है, ये सिंपल डिफ्यूज़न से होता है इनमें। आगे बढ़ते हैं। अब अर्थवर्म जो है, जिसको यहाँ पे
अड़सिया बोलते हैं अर्थवर्म को गुजरात में, अहमदाबाद में गुजराती में अर्थवर्म अड़सिया। तो ये जो अर्थवर्म जो है उसमें यूज़ देयर मॉइस्ट स्किन, उनकी जो स्किन है ना, देखिए अर्थवर्म को स्किन ब्रेदर्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो पूरा जो बॉडी का क्रॉस सेक्शन बताया है, देखिए क्रॉस सेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस द आउटर स्किन, बाहर की जो स्किन है वो, और उसमें आप देखेंगे ध्यान से तो O2 जो है कैपिलरी का जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन जो है वो एंटर होता है और कैपिलरी के ब्लड में से CO2 जो है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो अर्थवर्म जो है वो स्किन ब्रीदर्स कहलाता है। देखिए अर्थवर्म यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब इंसेक्ट की अगर हम बात करें तो आपको पता ही है सबसे बड़ा जो फाइलम है ना आर्थ्रोपोड, बहुत सारी वैरायटी होती है उसमें इंसेक्ट की। तो ये जो आर्थ्रोपोडा जो है इनमें जो क्लास इंसेक्टा जो है इसमें जो इंसेक्ट जो हैं इनमें रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होती हैं, बहुत सारी ट्यूब्स बॉडी के अंदर होती हैं और ये जो ट्यूब है इनको ट्रेकियल ट्यूब्स कहते हैं। और ये जो ट्रेकियल ट्यूब्स जो हैं वो क्या करती हैं, जो एटमॉस्फेरिक जो एयर है उसका जो ऑक्सीजन है वो बॉडी सेल को पहुंचाने का काम करती है। कैसे होता है क्या होता है ये वो उसकी बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए ये जो फिगर है ग्रास हॉपर जो है इसमें देख रहे हैं आप, ये ग्रास हॉपर जो है इसमें पूरा जो ट्रैकियल सिस्टम है रेस्पिरेशन का वो यहाँ पे बता दिया है। यहाँ पे भी पूरा जो फिगर है मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर दूसरे जो एनिमल हैं उसकी बाद में करते हैं। तो ये जो फिगर है राइट हैंड साइड पे वो आप देखिए, ठीक है। ग्रास हॉपर में भी देखना है, दूसरे का भी देख सकते हो आप लेकिन अभी ग्रास हॉपर की बात करेंगे हम। तो देखिए मसल बताया है ट्रैकियोल ट्रैकिया, ठीक है। ओपनिंग बताया है स्पाइरिकल से फिर क्या ट्रेकिया फिर ट्रैकियोल और फिर मसल, क्या होता है ये पूरा अरेंजमेंट उसकी बात करते हैं हम। देखिए यहाँ पे कॉकरोच जो है कॉकरोच का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बताया है इस फिगर में। तो पूरा जो बॉडी का सरफेस होता है उस पे पोर्स होते हैं, पोर्स यानी छेद, और ये जो छेद है इनको हम स्पाइरिकल कहते हैं, जो ओपनिंग है ना, तो वो सारे बॉडी पे क्या होते हैं स्पाइरिकल होते हैं, ठीक है कॉकरोच में। अच्छा अब ये जो स्पाइरिकल जो हैं वो आप देखेंगे कहाँ पे खुल रहे हैं, तो ये देखिए ये लिखा हुआ है ट्रेकियल ट्रंक, और उसमें से भी छोटी छोटी फिर ट्यूब्स जो हैं वो ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। और जो रीजन में जैसे थोरासिक रीजन में स्पाइरिकल है तो उसको थोरासिक स्पाइरिकल बोलते हैं, और एब्डोमिनल रीजन में होगा तो फिर उसको एब्डोमिनल स्पाइरिकल कहते हैं। अब ये स्पाइरिकल जो है इसमें किस तरह से होता है, तो देखिए ये मैंने कहा कि वो कोई ऑर्डिनरी पोर नहीं है, स्पाइरिकल इस तरह से होता है। तो यहाँ से जो हवा जो है वो ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से अंदर एंटर हो जाता है, और फिर ये कोई ऑर्डिनरी मैंने कहा आपको ऑर्डिनरी पोर नहीं है क्योंकि इसके अंदर देखिए पूरा फिल्टरिंग एपरेटस है, जो बाहर की जो हवा है उसमें जो धूल मिट्टी होगी उसको साफ़ करना, ठीक है, तो और कोई बैक्टीरिया वगैरह है तो उनको दूर करना, ये काम फिल्टरिंग एपरेटस का है। फिर यहाँ पे जो चैम्बर है उसको एट्रियम बोलते हैं, फिर यहाँ पे वाल्व है, ठीक है। अच्छा तो ये यही स्पाइरिकल जो है ये वाला
जो स्पाइरिकल जो है, ये स्पाइरिकल बाजू वाली फिगर में आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो हवा है वो अंदर जाती है। अब ये स्पाइरिकल आगे जो नली जो ट्यूब में ओपन होता है, तो ये जो है ये क्या है, ये जो ट्यूब दिख रही है हमको इतनी, ये जो ट्यूब है ये ट्यूब को क्या कहते हैं, ट्रेकिया कहते हैं। ठीक है, ट्रेकिया की जो छोटी, ट्रेकिया में से आगे जो छोटी ब्रांच निकल रही है तो उन्हें क्या कहते हैं, ट्रैकियोल्स कहते हैं। तो ये जो है ये क्या है, ट्रैकियोल्स। और ट्रैकियोल्स जो हैं उसमें आप देखेंगे तो उनका जो आगे का छोर है वहाँ पे लिक्विड या तो फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है, एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से कहाँ जाएगा, तो ऑक्सीजन जो है वो इनमें से होके यहाँ चला जाएगा, है ना। तो ये क्या है, मसल के सेल में ऑक्सीजन इस तरह से चला जाता है। ठीक है, और फिर जो CO2 जो है, CO2 क्या होगा, यहीं से CO2 बाहर निकल जाएगा स्पाइरिकल में से ही। तो इंसेक्ट जो है उनमें इस तरह से रेस्पिरेशन होता है। दूसरा भी एक फिगर है देखिए, ये इंसेक्ट का जो बॉडी सरफेस है उसके ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये स्पाइरिकल बताया है। ठीक है, और स्पाइरिकल जो है उसमें से किस तरह से हवा जो है वो एंटर होती है और किस तरह से एयर जो है वो बाहर, यानी किस तरह से ऑक्सीजन जो है वो अंदर एंटर होता है और किस तरह से ऑक्सीजन जो है, CO2 जो है सॉरी, वो बाहर निकल जाता है, एयर आउट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्पाइरिकल किस में, ये स्पाइरिकल है। ठीक है, स्पाइरिकल किस में ओपन होता है, ट्रेकिया। ट्रेकिया की जो छोटी छोटी जो ब्रांच है उनको क्या कहते हैं, तो उनको ट्रैकियोल कहते हैं। ठीक है, और ट्रैकियोल जो है वो किसके साथ में जुड़ी है, मसल के, मसल सेल के साथ में जुड़ी है। तो ये ट्रैकियोल क्या करेंगी, इसको ऑक्सीजन सप्लाई करेंगी, CO2 जो है वो यहीं से बाहर। तो ये इंसेक्ट में इस तरह से होता है। तो इंसेक्ट में देखिए, ट्रैकियल सिस्टम ऑफ इंसेक्ट। इस तरह से, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये भी एक फिगर है, इसमें भी आप देख सकते हैं ट्रैकियल सिस्टम ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, स्पाइरिकल की अरेंजमेंट देखिए, ट्रैकिया की देखिए, ट्रैकियोल की देखिए, है ना। फिर ये अभी फ्रॉग जो है, फ्रॉग का किस तरह से रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, एक तो लंग से भी होता है और दूसरा स्किन से भी होता है, तो उसकी भी हम अभी बात करने वाले हैं, फ्रॉग की भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो चौथा जो पॉइंट है, अब कुछ एक जो एनिमल्स हैं उनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो गिल होते हैं। ठीक है, और गिल से जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं इसे ब्रांचियल, ब्रांकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ब्रांकियल रेस्पिरेशन है, गिल का जो रेस्पिरेशन है, ये यहाँ पे किससे हो रहा है, तो यूज्ड बाय मोस्ट एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, पानी में रहने वाले जो आर्थ्रोपोड हैं और मॉलुस्क का जो है। ठीक है, ये मॉलुस्क हमको पता है सॉफ्ट बॉडी वाले। ठीक है, और जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड जो है इनमें गिल से, गिल होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन के तौर पर। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ये नाम हम याद रखेंगे। ठीक है, नूडी ब्रांच, नूडी ब्रांच में क्या, एक्सटर्नल गिल। ठीक है, फिर जो क्लैम है, तो क्लैम में क्या है, क्लैम में इंटरनल गिल, बॉडी के अंदर गिल है। और किस तरह से पानी अंदर जाता है, पानी बाहर आता है, तो जो पानी अंदर जाता है उसमें क्या, जो ऑक्सीजन होता है
वो गिल में जो ब्लड कैपिलरी है उसके अंदर चला जाएगा, और जो ब्लड के अंदर जो CO2 है वो गिल में से बाहर निकल के, जो पानी जब बाहर निकलता है उसमें चला जाएगा। अभी आगे समझते हैं इस बात को। फिर यहाँ पे देखिए, ये जो है कटल फिश जो है, इसमें कटल फिश में इंटरनल गिल, ठीक है, पानी कैसे अंदर जाता है, गिल में से होके पानी बाहर, फिर ये फिश। फिश में भी देखिए, मुंह में से पानी अंदर, ठीक है, ये गिल के ऊपर जो ढक्कन है, जो कवरिंग है, उसको ऑपरक्यूलम, ऑपरक्यूलम खुलता है, पानी जो है गिल में से फिर यहाँ से बाहर निकल जाता है, तो वाटर इन वाटर आउट। और ये जो है ये गिल रेड कलर में आपको जो दिख रही है, ठीक है। ऐसे गिल को गुजराती में चुई या तो झालर भी बोलते हैं। तो पूरा जो फिगर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से है पूरा फिगर। चलिए, यहाँ पे देखिए, मॉलुस्क नूडी ब्रांच, यहाँ पे देखिए क्लस्टर, ये जो है ये सारी बॉडी पे ये जो दिख रहे हैं ना, तो नूडी ब्रांच जो है इसमें एक्सटर्नल गिल टफ्ट, ठीक है, एक्सटर्नल गिल मॉलुस्क है नूडी ब्रांच। फिर यहाँ पे देखिए सालामंडर का जो लार्वल स्टेज है उसमें आप देख सकते हैं ये जो है, ठीक है, तो वो क्या है, एक्सटर्नल गिल्स। ये जो फिगर है पूरा मैं दिखा देता हूँ आपको, इस तरह से यहाँ पे भी देखिए एनिमल गैस एक्सचेंज ऑर्गन्स, ठीक है, ट्यूबवर्म, ट्यूबवर्म एक्सटर्नल गिल्स, ठीक है, अभी देखा सालामांडर लार्वल स्टेज में एक्सटर्नल गिल, ग्रास हॉपर की तो हमने बात कर ली, ठीक है, इंसेक्ट में तो जो होता है स्पाइरेकल, ट्रेकिया, ट्रेक्यूल, डॉग में देखिए, डॉग में इंटरनल लंग्स हैं, ठीक है, फिर फिश इंटरनल गिल्स, यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। चलिए, ये तो देख ही लिया हमने, ठीक है, फिश की भी अभी बात कर ही रहे हैं, अभी फिश की भी बात कर लेते हैं आगे। ह्यूमन में तो आपको पता ही है, क्योंकि ये तो पूरा चैप्टर ही हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का ह्यूमन में, तो किस तरह से ह्यूमन में लंग्स होते हैं, ट्रेकिया है ना, फिर ब्रांकियोल, एल्वियोलाई, फिर एल्वियोलाई जो है उसमें किस तरह से O2 CO2 का एक्सचेंज, सारी बातें हम करने वाले हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अच्छा, अब जो वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं हम, तो वर्टिब्रेट्स में बहुत सारे जो टेरिस्ट्रियल फॉर्म हैं एनिमल के, जो ज़मीन पे रहते हैं, ठीक है, उनमें पल्मोनरी, पल्मोनरी का मतलब लंग जो है, लंग से रेस्पिरेशन होता है, तो लंग से जो रेस्पिरेशन होता है उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। और ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो एनिमल करते हैं वो कौन से हैं, तो एम्फीबियन हैं, ठीक है, जो ज़मीन और पानी दोनों में रहते हैं, रेप्टाइल हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, ये सारे जो एनिमल्स हैं ये टेरेस्ट्रियल और पल्मोनरी रेस्पिरेशन, लंग से रेस्पिरेशन करते हैं। अच्छा, एम्फीबियन जो है, जैसे फ्रॉग जो है, फ्रॉग का जो रेस्पिरेशन है, तो फ्रॉग जो है मॉइस्ट स्किन,
उसकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है ना, वो एकदम एकदम चिकनी होती है, एकदम स्लिपरी होती है। आप अगर अभी तो नहीं है, पहले के टाइम में क्या बायोलॉजी में प्रॉकेट डिसेक्शन होते थे, तो जब प्रॉक को पकड़ने जाते थे ना तो वो हाथ में से छटक जाते थे, इतनी उनकी मॉइस्ट स्किन होती है, एकदम चिकनी होती है। ठीक है, तो स्किन जो है, स्किन से एक तो रेस्पिरेशन होता है फ्रॉग में, जिसको क्यूटोनियस रेस्पिरेशन कहते हैं, और जो फ्रॉग जो है उसमें जो लंग है उससे भी रेस्पिरेशन होता है। यहाँ पे देखिए, ये जो है ये बॉर्ड में आपको दिखा है, ठीक है। बॉडी में क्या होता है, बॉडी के रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स हैं उसमें लंग होते हैं, और ये लंग के साथ में बहुत सारी जो एयर सैक हैं वो जुड़ी हुई हैं। अब ये लंग और ये एयर सैक का क्या है कि बर्ड जो है, बर्ड आपको पता ही है कि बर्ड जो है इनको हवा में उड़ना होता है, तो हवा में उड़ते टाइम एक तो दो चीज़ें होनी चाहिए कि जब जो पंछी जो है, बर्ड जो हैं, जब हवा में उड़ेंगे तो उनका जो बॉडी वेट है वो कम होना चाहिए, है ना। और दूसरी बात क्या है कि जो मसल्स हैं उनमें कंटिन्यूअस सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, एटीपी प्रोडक्शन होगा, तो जो उड़ते समय जो मसल्स हैं विंग्स के, उनको बहुत सारी ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है। तो इसी वजह से बर्ड में क्या होता है कि लंग के साथ में क्या जुड़ी हुई है, तो ऑक्सीजन कहाँ पे पहुँचेगा, ऑक्सीजन जो है लंग में तो है, लेकिन लंग के साथ में क्या जुड़ी है, एयर सैक जो है, तो एयर सैक में भी क्या है, एक्स्ट्रा जो हवा है, एक्स्ट्रा जो ऑक्सीजन है उसका स्टोरेज हो जाएगा। तो उसकी वजह से उड़ते वक्त एक तो बॉडी का जो वेट है वो थोड़ा, बॉडी वेट जो है उसमें थोड़ा उनको अच्छा रहेगा, और दूसरा जो उड़ते वक्त जो पंखों में विंग जो हैं उनके जो मसल हैं उनको भी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जो है वो मिलती रहेगी पूरी फ्लाइट के दौरान। ठीक है, पूरा जो फिगर है मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आपको अगर डिटेल में और कुछ पढ़ना है तो आप इस फिगर से कर सकते हैं। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे भी, ठीक है, रेस्पिरेशन बाय बर्ड। तो ये जो फिगर है इसमें स्टेप वाइज, अगर आप चाहें तो, आपको इंटरेस्ट है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन में इतना याद रखेंगे बर्ड के लिए कि बर्ड में एक तो लंग तो होते ही हैं, और लंग के साथ साथ में जो एयर सैक है वो जुड़ी होती हैं, किस तरह से जो एयर है वो एंटर होती है, किस तरह से CO2 जो है वो बाहर आता है, ये पूरा 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स में आपको समझाया है। आपको अगर इंटरेस्ट है तो ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे भी। ठीक है, तो बर्ड में यही याद रख रहे हैं हम कि भाई बर्ड में रेस्पिरेशन के लिए लंग और जो एयर सैक है। देखिए यहाँ पे जो डॉग है, डॉग में क्या होता है, तो डॉग में लंग है ना, मैमल है डॉग, तो फिर एल्वियोलाई बताया है किस तरह से O2 CO2 का जो एक्सचेंज है वो बताया है। ठीक है, तो डॉग में है ना लंग ही है। अब यहाँ पे देखिए, ये फ्रॉग में जो लंग से किस तरह से है ना, फ्रॉग जो है स्किन से तो करता ही है रेस्पिरेशन, यहाँ से तो होता ही है, डिफ्यूजन से हो जाएगा है ना CO2 बाहर, तो ये तो क्यूटोनियस रेस्पिरेशन हो गया। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे नॉस्ट्रिल है, और नॉस्ट्रिल कैसा है, नॉस्ट्रिल ओपन है, तो जो हवा है ऑक्सीजन जो है वो अंदर एंटर हो जाएगा, और फिर जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे जाता है, तो बकल कैविटी जो है, यहाँ पे ऑक्सीजन आया
और फिर बकल कैविटी, ये देखिए यहाँ पे जो गट का गट के साथ में ही क्या जुड़ा हुआ है, गट के साथ में ही जो लंग्स हैं वो जुड़े हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए जो ऑक्सीजन जो है, जो एयर जो है वो किस तरह से लंग्स में एंटर हो रही है। लंग्स में एंटर हुई तो नॉस्ट्रिल जो है वो क्या, नॉस्ट्रिल उस टाइम पे बंद, ठीक है। तो एम्फीबियन जो है, एम्फीबियन में हम क्या करेंगे, लंग्स याद रखना है हमको, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है लंग और स्किन दोनों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जैसे पैरामीशियम फर्स्ट जो है, पैरामीशियम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, पानी के अंदर है। तो पानी के अंदर जो डिफ्यूज ऑक्सीजन है वो क्या, सेल के अंदर, और सेल में से CO2 जो है वो पानी में बाहर। एम्फीबियन में क्या, देखिए जो स्किन से जो रेस्पिरेशन होता है एम्फीबियन में, फ्रॉग में, तो किस तरह से जो एपिडर्मिस है स्किन का, उसमें से जो ऑक्सीजन है वो किस तरह से ब्लड कैपिलरी में आता है, और कैपिलरी में से CO2 किस तरह से बाहर आ जाता है वो बताया। ये स्किन में से किस तरह से रेस्पिरेशन करता है फ्रॉग वो। फिर ये जो है स्टारफिश एकाइनोडर्माटा, ठीक है ना। तो एकाइनोडर्म में जो ऑर्गन है पेप्यूला जो है एकाइनोडर्म के, और पेप्यूला जो है उसमें से किस तरह से डिफ्यूज़न हो रहा है O2 अंदर CO2 बाहर, वो यहाँ पे हमको बताया है स्टारफिश में पेप्यूला, ठीक है, डिफ्यूज़न। इंसेक्ट में क्या होता है, पूरा जो ट्रेकियल सिस्टम है उससे होता है, स्पाइरिकल ट्रेकिया ट्रेक्यूल, ठीक है। ये देखिए आप किस तरह से स्पाइरिकल ट्रेकिया ट्रेक्यूल, है ना, O2 किस तरह से अंदर जा रहा है, CO2 जो है किस तरह से बाहर आ रहा है वो। फिश जो है, फिश में गिल से रेस्पिरेशन होता है, और मैमल्स जो है उसमें लंग से होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है मैमल के वो लंग है। पूरा जो फिगर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए बर्ड जो है ना, लंग और एयर सैक, ठीक है, अलग अलग एयर सैक हैं। आगे हैं तो एंटीरियर, फिर थोरेसिक एयर सैक, फिर पीछे वाली पोस्टीरियर सैक। एयर फ्लो किस तरह से है वो भी दिखाया है, अगर आप चाहें तो समझ सकते हैं, है ना। अगर आप चाहें तो ये 1, 2, 3, 4 जो पॉइंट्स हैं आप समझ सकते हैं, साइकिल 1, साइकिल 2, आपको इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हो। चलिए और ये तो देख। अब फिश का जो है वो एक बात करते हैं। देखिए वर्टिब्रेट में जो फिश जो है पानी के अंदर, फिश जो है रेस्पिरेशन के लिए गिल्स का यूज़ करती हैं, ठीक है। और ये गिल से किस तरह से पूरा रेस्पिरेशन होता है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे गिल के अंदर ये जो है, ये फिश का हार्ट है, ठीक है। और हार्ट जो है इसमें आप देखेंगे, हार्ट के जो पार्ट हैं इसमें आप देखेंगे ध्यान से, तो आपको वेंट्रिकल दिखेगा, ठीक है, फिर सीनस वेनोसस दिखेगा, अच्छा, फिर ये जो है ये एट्रियम आपको दिखेगा हार्ट में, वेंट्रिकल दिखा हमको, अच्छा। और यहाँ से आप देखेंगे कोनस आर्टेरियोसस, और ये जो ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल आगे बढ़ रही है, देखिए ब्लू कलर की,
तो जहाँ पे भी ब्लू कलर यूज हुआ है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर CO2। तो जो ब्लड वेसल गिल में जा रही है, ठीक है, तो गिल के पास जो ब्लड पहुंचता है उसमें क्या होता है, CO2 होता है। और गिल में से जो कैपिलरीज जुड़ के जो ब्लड वेसल बनाती हैं उसमें जो ब्लड है वो लाल कलर का बता है, यानी अब वो कैसा हो गया, ऑक्सीजन वाला हो गया, ठीक है कि नहीं। पूरा जो फिगर है मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा फिश का सर्कुलेटरी सिस्टम आपको बताया है। तो यहाँ पे हम यही बात याद रख रहे हैं कि हार्ट में से जो ब्लड वेसल गिल के पास पहुँचती है उसके अंदर CO2 होता है वो ब्लड में, ठीक है। और फिर गिल के पास जो कैपिलरीज हैं वो जुड़ के फिर जो ब्लड वेसल बनाएंगी उसके अंदर रेड कलर यानी ऑक्सीजन वाला ब्लड है। अब ये जो पूरा मैकेनिज्म है ये क्या होता है फिश में, ये हम समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ऑपरक्यूलम जो है, ऑपरक्यूलम को खोल के दिखाया है, ठीक है, इंटरनल गिल ऑफ, इंटरनल गिल्स ऑफ अ फिश, ठीक है, ऑपरक्यूलम को खोल कर बताया। अब यहाँ पे देखिए गिल जो है, गिल में क्या होते हैं, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो गिल में गिल फिलामेंट्स होते हैं, दिख रहे हैं आप। अच्छा, पानी का जो डायरेक्शन है, पानी जो है डायरेक्शन ऑफ H2O फ्लो, तो कह सकते हैं कि जो भी गिल फिलामेंट है उसके ऊपर से पानी जो है बहके जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए जो गिल फिलामेंट जो है, ये जो रेक्टेंगल बॉक्स जो है उसको बड़ा करके यहाँ पे बताया है, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए तो पूरा पता चल जाएगा। ये देखिए गिल, गिल फिलामेंट देख रहे हैं आप। तो ये गिल फिलामेंट में जो थप्पी है, काय की थप्पी है, ये सारे जो हैं, जैसे ये हो गया, ये है, ये है, ये सारे जो हैं ये क्या हैं, लेमिली। और लेमिली जो हैं, बहुत सारी लेमिली जो हैं वो जुड़ के क्या बनता है, फिलामेंट बनता है। उस फिलामेंट को क्या कहते हैं, गिल फिलामेंट। या तो हम कह सकते हैं कि भाई एक गिल फिलामेंट है उसके अंदर बहुत सारी क्या होती हैं, बहुत सारी लेमिली होती हैं, है कि नहीं। अब जो लेमिली जो है वो देखिए, लेमिली को यहाँ पे, ये लेमिली जो है इतना पार्ट, इतनी जो लेमिली है, ये लेमिली को यहाँ पे फिर और बड़ा करके यहाँ पे बताया है जूम करके। अब लेमिली में क्या हो रहा है वो देखते हैं हम। देखिए लेमिली में क्या होता है, ये ध्यान से आप देखेंगे तो एफरेंट फिलामेंट लिखा है, ठीक है। तो एफरेंट फिलामेंट ब्लड वेसल जो है वो क्या ला के आ रही है, लेके आ रही है लेमिली में, ठीक है, ऑक्सीजन पुअर ब्लड, ऑक्सीजन नहीं है, CO2 वाला है कि नहीं। बहुत ही कम ऑक्सीजन की मात्रा वाला ब्लड लेके कौन आती है लेमिली के पास में, एफरेंट फिलामेंट ब्लड वेसल जिसमें बहुत ही कम ऑक्सीजन है। तो ये बहुत ही कम, देखिए तो इसके लिए क्या किया है, ये जो कैपिलरीज जो बताई हैं वो कैसी बताई हैं, O2 पुअर बताई हैं, ठीक है। और फिर पानी जो है, पानी क्या होता है, पानी का, पानी जो है वो लेमिली में से क्या है इस तरह से बह के निकल जाएगा। तो पानी जो है, पानी के अंदर क्या होता है, जो पानी अंदर आया है गिल में तो वो तो कैसा होता है, O2, उसमें क्या हो, वो पानी में तो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होता है ना, तो वो जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है जो डिफ्यूज़ है वो कहाँ पे आएगा, ये जो कैपिलरीज हैं इनके अंदर आएगा। और ये कैपिलरीज जो हैं वो जुड़ के क्या बना रही हैं, ये रेड कलर में जो बड़ा जो बनाया जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर उसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं एफरेंट फिलामेंट ऑफ ब्लड वेसल। और ये एफरेंट फिलामेंट ऑफ ब्लड वेसल में क्या हुआ कि भाई उसके अंदर क्या आया, अब ऑक्सीजन आया है, ठीक है, इसी कलर, इसीलिए इस वजह से अब वो ऑक्सीजन वाला हो गया, तो इसलिए अब उसको क्या कहते हैं,
ऑक्सीजन रिच ब्लड कहेंगे ना, आप उसको रेड कलर यूज़ किया है। और यहाँ पे आप समझिए, ये जो है, ये बात को समझते हैं। गिल गिल जो है किसका बना हुआ है भाई? गिल गिल बनी होती है गिल फिलामेंट की। गिल फिलामेंट में क्या होते हैं? लेमिली होते हैं। लेमिली में क्या होता है? तो लेमिली में ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। अब लेमिली जो है, जिसमें ब्लड कैपिलरीज हैं, उसमें से पानी जो है वो इस तरह से जा रहा है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि पानी की जो डायरेक्शन है बहने की, और ब्लड का जो फ्लो है, ये कैपिलरीज में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, उनका जो डायरेक्शन है, ब्लड फ्लो का डायरेक्शन, वो दोनों क्या हैं? विरुद्ध दिशा में हैं। इसकी पानी की डायरेक्शन ये है, और ब्लड फ्लो की जो डायरेक्शन है वो उल्टी दिशा में है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? काउंटर करंट। ये जो फिश है, इसमें क्या कहते हैं? इस बात को काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। अच्छा, दूसरी एक बात देखने जैसी क्या है कि पानी जो है, पानी में ये जो 100%, 70%, 40%, 15%, ये क्या लिखा है यहाँ पे? ये ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लिखा है, ऑक्सीजन की मात्रा लिखी है पानी में डिसॉल्व। और यहाँ पे जो ब्लड है, शुरुआत में जब लेमिला की जो कैपिलरीज में जो ब्लड आता है, उसमें आप देखेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कैसी है? कम है। और पानी में से क्या है, पानी में से जो ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पे, ये कैपिलरीज के अंदर आता जाएगा, वैसे वैसे क्या है, जो ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये आप देखिए, तो ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है, इसमें हमको ये बात याद रखनी है कि पानी और ब्लड जो है, इसकी जो फ्लोइंग जो डायरेक्शन है वो एक तो एक दूसरे से उल्टी है, विरुद्ध है, ऑपोजिट है, ठीक है। और दूसरी बात काउंटर करने में हम क्या याद रख रहे हैं कि पानी के अंदर जो ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, डिफ्यूज़ ऑक्सीजन का, वो कम होता जाएगा। और वो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होके कहाँ पे आएगा? कैपिलरीज में। तो कैपिलरीज में जो ब्लड है उसमें जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है वो बढ़ता जाता है। पूरा पूरा फिगर जो है, ये पूरा फिगर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे ये जो फिगर है, इससे आप पूरा जो गिल से फिश में रेस्पिरेशन किस तरह से होता है, वो पूरी बात जो है वो आप समझ जाएंगे। सभी बातें आपको आराम से, आपको भी पढ़ना है इस तरह से पूरा फिगर, ठीक है। और ये गिल फिलामेंट का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इमेज बताया है यहाँ पे भी आप देखिए, ठीक है। मुंह में पानी आ रहा है, ये ऑपरक्यूलम जो है वो बंद है, ठीक है। ऑपरक्यूलम फिर यहाँ पे खुलेगा और पानी क्या हुआ, गिल में से बाहर आ गया, ठीक है कि नहीं। तो ये जो फिगर है, अलग अलग जो बुक्स हैं उसमें से मैंने लिया है, देख सकते हैं आप, वही बात है, कहाँ से पानी मुंह में से कहाँ से आता है, गिल में से किस तरह से जाता है, ठीक है। ये पूरी जो डिस्कशन है वो हमने कर ली, अब आप भी आराम से इसको, आपको खुद को भी इसको समझना है, ठीक है। दूसरा जो फिगर है देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये जो है ये भी बहुत ही अच्छा फिगर है। इसमें भी आपको पता चल जाएगा पानी कहाँ से आया, ऑपरक्यूलम खुला, गिल में से पानी होता हुआ, तो यहाँ से देखिए पानी किस तरह से, ठीक है, गिल में से पानी होता है, गिल फिलामेंट पे से पानी गया, और फिर जो गिल फिलामेंट में क्या होती है ना, जो लैमेली जो होती है, और लैमेली में क्या होता है ना, कैपिलरी का नेटवर्क होता है, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड, वो बताया किस तरह से
कैपिलरीज में O2 CO2 का एक्सचेंज होता है, वो आपको समझना है। और ये जो है काउंटर करंट की जो हमने बात करी, तो वो भी आप देखिए पानी में, अब यहाँ पे देखेंगे है ना, ऑक्सीजन सेचुरेशन पानी की जो मात्रा है वो किस तरह से है। तो पानी जो अंदर आता है वो उसमें है ना, और फिर पानी में देखिए आप 100 से क्या घटता घटता लास्ट में कितना 15। और ये ब्लड जो है, ब्लड में पहले है ना, ब्लड में क्या होता है, जो ऑक्सीजन जो था ये ब्लू कलर में था और ऊपर देखेंगे तो आप रेड कलर में हो गया। तो पानी का जो ऑक्सीजन है वो किस में जा रहा है, देखिए आप बीच में ध्यान से देखेंगे तो एरो जो है पानी के अंदर जो ऑक्सीजन था वो बाजू में जा रहा है, यानी जो कैपिलरी का जो ब्लड है उसमें आ रहा है। तो यही ये जो है काउंटर करंट का पूरा एक्सचेंज है, पूरा मैकेनिज्म है, ठीक है। पूरा जो फिगर है वो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, आपको पूरा फिगर जो है वो ध्यान से करना है इस तरह से। और दूसरा जो पार्ट है चलिए, और ये एक जो फिगर है इसमें भी आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा पानी किस तरह से अंदर आता है। यहाँ पे देखिए ऑपरक्यूलम, ऑपरक्यूलम बंद है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे ऑपरक्यूलम खुला, पानी किस तरह से बाहर, ये भी एक दूसरा फिगर है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं काउंटर करंट जो है वो समझाया है, ठीक है। इस तरह से तो इसी के साथ में ये जो प्रेजेंटेशन लेक्चर है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स का, ये अब यहाँ पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि ये जो प्रेजेंटेशन लेक्चर है, इस प्रेजेंटेशन लेक्चर से आप जो है आपकी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो अच्छे से कर पाएंगे और आपका जो स्टडी है उसमें भी आपको जो हेल्प है वो मिलेगी इस लेक्चर से, मैं आशा करता हूँ। मेरा नाम मनीष कुश्ती सर है, मैं अहमदाबाद से हूँ। बाय बाय, नमस्ते।